हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम मनोहर लाल करनाल में किसानों से ये संवाद करने वाले हैं। बीजेपी का किसानों से ये सीधा संवाद होगा और पूरे हरियाणा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो बड़ी खबर है हरियाणा से, आपको बता दें कि बीजेपी का किसानों से अब सीधा संवाद होने वाला है आज, और सीएम मनोहर लाल किसानों से सीधा संवाद करने वाले हैं। करनाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आपको बता दें कि करनाल के बाद सीधे ये पूरे हरियाणा में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो हरियाणा से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल में किसानों से बातचीत करने वाले हैं। लगातार किसानों का जो हल्ला बोल है और लगातार सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत हो रही है, हर बातचीत बेनतीजा साबित हो रही है। तो इसी के चलते जहां किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को रद्द किया जाए, जो उनकी मांग है उनको माना जाए और जो जिस कृषि कानून को रद्द किया जाए, तो इसी के चलते आज सीएम मनोहर लाल किसानों से बातचीत करने वाले हैं। और इसी के चलते आपको बता दें, करनाल से पूरे हरियाणा में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, किसानों से सीधा ये बातचीत की जाएगी। लिहाजा किसानों से जो बातचीत की जाएगी तो किसानों के मुद्दों को लेकर ही बातचीत की जाएगी। जिस तरीके से लगातार किसानों का जो हल्ला बोल जारी है दिल्ली में और हरियाणा में और पंजाब की तमाम जगह पर किसानों का हल्ला बोल जारी है, तो इसी के चलते आज करनाल में किसानों से बातचीत करने वाले हैं सीएम मनोहर लाल। तो सीधी बातचीत करेंगे मनोहर लाल किसानों से, तो बीजेपी का किसानों से सीधा संवाद होने वाला है आज। तो क्या कुछ होगा, किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ेगी, या प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी सरकार से, जो सीधी जो बातचीत करेंगे, तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है और हर बार जो भी बातचीत हो रही है सरकार के बीच में वो बेनतीजा साबित हो रही है। इसी के चलते अब जो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हैं वो आज किसानों से बातचीत करने वाले हैं, क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ बातचीत होगी आज? जी बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी सरकार की ओर से कहें या मुख्यमंत्री की ओर से, किसान महापंचायत की आज तैयारी है जो कि किसानों के साथ संवाद करेंगे, जो कि जिसमें ये साफ तौर पर जो कृषि कानून है इसके बारे में बताया जाएगा, इसके फायदे और इनके बारे में किसानों को बताया जाएगा, उनका जो भ्रम है उसको दूर करने की बात की जाएगी। और वहीं जहीं किसानों की बात करें तो किसानों की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये किसान महापंचायत जो है वो नहीं होने दी जाएगी, और इसी को लेकर कल किसानों और जो प्रशासन है जिसमें जिला प्रशासन के तमाम बड़े नेता जो किसानों को साथ बैठक भी की है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी तरह का भी इस जो महापंचायत का विरोध ना हो, लेकिन किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि हम जब तक ये कृषि कानून जो है कि ये रद्द नहीं की जाएंगे केंद्र सरकार की ओर से, हमारा जो विरोध प्रदर्शन या जो धरना है और इन कृषि कानूनों के विरोध में जो है हम खड़े रहेंगे। जी तो अभिषेक, अगर करनाल की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें कि किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से किसानों का जो हल्ला बोल जारी है, क्या करनाल में भी आवाजाही पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? जी देखो, आवाजाही की ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आम जनता को या किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है और ये जो कार्यक्रम है सरकार की ओर से पहले निश्चित किया गया था, जिसकी तैयारी प्रशासन की ओर से पहले की जा चुकी है। तो आम जनता को इससे इस कार्यक्रम से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी पार्टी की ओर से ये कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित किए गए थे, क्योंकि कृषि कानून है इनके जो फायदे जो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो जिला लेवल पर ब्लॉक लेवल पर जाकर किसानों को समझाएंगे कि इनके आगे चल के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और ये किसान हित में किस प्रकार से रहने वाले, तो उसी के तहत ये जो कार्यक्रम है उसी के आगे कदम बढ़ाते हुए बीजेपी की ओर से और सरकार की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया। तो विषय किसी के चलते अब जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप जल्दी से जल्दी उनकी सरकार से कह रहे हैं कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, और किसानों से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो किस प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि इसी के चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक लंबे समय हो गया, लगभग
40-45 दिन के करीब हो गए जो कि किसानों का आंदोलन के चलते हुए हाईवे जो है दिल्ली जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से बंद है और आवाजाही भी जो मालवाहक जो वाहन है उनको भी परेशानी आ रही है। और जो जो रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज है, जैसे सोनीपत की बात करें तो आसपास जो दिल्ली के जो इंडस्ट्रीज है उनको भारी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल और जब बना हुआ माल है वो नहीं पहुंच पा रहा, लेबर की दिक्कत आ रही, कई तरह की परेशानी है। और आवाजाही की जो आपने बात करी वो दिल्ली के जो एंट्री है वहां पर जो किसान डटे हुए तो आम जनता को दिल्ली में एंट्री या दिल्ली से बाहर जाने में जरूर परेशानी हो रही है, लेकिन जो किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तो वो ऐसे ही डटे रहेंगे और ये कृषि कानून सरकार को हर हाल में वापस लेने पड़ेंगे। जी तो अभिषेक, तो आप ये लगता नहीं है जिस तरीके से लगातार जो बातचीत हो रही है हर बातचीत बेनतीजा रही है और इसी के चलते जब सीधा सीधा फायदा विपक्ष उठाने लगा है, क्या लगता है कि ये राजनीति करण में बदलने वाला है क्या आने वाले समय में, जिस तरीके से लगातार जो बातचीत हो रही है हर बातचीत बेनतीजा हो रही है, आपको क्या लगता है? देखिए विपक्ष के शुरू में जब ये किसान आंदोलन का आगाज हुआ था उसी समय जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस की बात करें चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें जो उनकी तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि वो किसानों के साथ खड़े क्योंकि ये कृषि कानून जो है ये सरकार ये किसानों के हित में नहीं है, ये किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे आगे भविष्य में, तो उन्होंने पहले ही इसका ऐलान कर दिया गया था। समय समय पर जो तमाम जो विपक्ष के जो नेता हैं कांग्रेस के हों चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के, यहाँ तक कि इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से तो ये भी कह दिया गया कि अगर 26 जनवरी तक अगर इस पर कोई फैसला नहीं आता है, किसानों के हक में फैसला नहीं आता है, सरकार केंद्र सरकार नहीं लेती है तो वो 27 तारीख को हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर है उनको अपने पद से जो विधायक पद से वो इस्तीफा भी सौंप देंगे। तो ये जो है कि इसको ये कहा जा सकता है कि जो विपक्ष है वो किसानों के साथ खड़ा है और केंद्र सरकार की बात करें चाहे प्रदेश सरकार की उसके ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए या कहें कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने का दबाव जरूर है। अभिषेक, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली सरकार की, केजरीवाल ने भी जो जिस तरीके से जो पिछले जो जिस तरीके से उनकी जो सरकार बनी थी उसी के चलते उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया था और इसी के चलते उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि किसानों के हित में सारे काम किए जाएंगे। अगर जो पहले अब बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र में जारी कर दिया कृषि में जो किसानों के हित में है, अगर बात करें लगातार जो जिस तरीके से मुद्दा उठ रहा है किसानों के हित में कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए, लेकिन घोषणा पत्र इन्होंने भी तो जारी किया था, अब अगर बीजेपी ने जारी कर दिया तो अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है केजरीवाल सरकार को? जी देखिए, केजरीवाल सरकार एक असमंजस की स्थिति उनके सामने जरूर हो सकती है क्योंकि जो दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार और वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो पंजाब में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो और सबसे पहले जो आंदोलन की बात करें तो आंदोलन पंजाब स्टेट से शुरू हुआ था और जो एक आगाज भी पंजाब के किसानों की तरफ से किया गया था और दिल्ली की पूछ भी जो है किसानों पंजाब किसानों को किया की ओर से किया गया था। और आने वाले समय में पंजाब में इलेक्शन है तो इसको भी देखते हुए राजनीतिक जो पार्टी है आम आदमी पार्टी उसकी तरफ से ये जरूर पंजाब में को लेकर उनका जो इस तरह का जो फैसला है या फिर किसानों के कभी हक में या कभी खिलाफ की जो बात अभिषेक है, आपको लगता नहीं है जिस तरीके से जो किसान लगातार ये जो ठिठुरती हुई ठंड के छत के नीचे जो खुले हवा में बैठे हैं और राजनीति जो करने लग रहे हैं, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, क्या लगता नहीं है सीधा सीधा असर किसानों पे पड़ने लगा है और इसी के चलते अब आमजन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कितने क्या लगता है कि कितनी लंबी लड़ाई चल सकती है अब आगे? देखिए लड़ाई की बात करें तो किसानों की ओर से तो अपना रुख साफ कर दिया गया है, जबकि ये तीनों कृषि कानून जो है ये रद्द नहीं होंगे तो वो भी अपने घर वापसी की नहीं सोच सकते, चाहे वो अब 9 दौर की बैठक हो चुकी है जिसके अंदर उनकी सिर्फ एक ही जो मुख्य मांग है कि ये तीनों कृषि कानून जो है इनको रद्द किया जाए और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। तो सरकार की ओर से भी ये साफ है कि वो इसमें चेंज या बदलाव की के लिए जरूर तैयार है लेकिन ये कृषि कानून जो है ये रद्द नहीं किए जा सकते। तो ये रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष की जो भूमिका है इसमें वो किसानों के साथ खड़े होने की है और समय समय पर अपना साथ देते हुए वो दिख रहे हैं और विपक्ष का के जो तमाम बड़े नेता हैं वो समय समय पर जाकर इन धरना प्रदर्शनों पे या फिर इनके किसान आंदोलन में अपना समर्थन देते हैं। जी तो अभिषेक, आज जिस तरीके से आज जो बातचीत होने वाली है हरियाणा के सीएम खट्टर जो संवाद करेंगे करनाल में किसानों से, क्या लगता है इसी के साथ चलते चलते बीजेपी के और कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं?
जी देखिए, अभी हाल ही में बैठक एक आयोजित की गई थी जिसमें तमाम जो नेताओं को ये कहा गया था, चाहे वो जिला लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे अपने स्टेट लेवल पे हो, उनके सबकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि आप अपने अपने स्तर पर चौपाल लगाए, महापंचायत किसान महापंचायत करें, किसान पंचायत करें, ताकि किसानों को जो जो उनका नजरिया है वो बदले, उनको इन कृषि कानूनों के बारे में पता चले कि ये किस तरह उनको आगे चल के फायदा करेंगे। और जो कांग्रेस ने की ओर से जो सरकार बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस के की ओर से बरगलाया गया है किसानों को, तो वो तो उनका जो माइंड जो में जो भ्रम फैलाया गया है उसको किसी ना किसी दूर किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर है, हरियाणा के सीएम खट्टर आज किसानों से बातचीत करने वाले हैं और इसी के चलते अब तमाम नेता भी इसमें शामिल होंगे। क्या कुछ आगे रहने वाला है ये बैठक के बाद ही पता चलेगा। और इसी के चलते आपको बता दें, जो लगातार किसानों का जो हल्ला बोल है वो 45 दिन से भी ऊपर जा चुका है, तो देखना लाजमी होगा कि आज की जो बैठक में बातचीत होगी वो कितनी हितकारी होगी किसानों में। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।